गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है आपका, तो अपनी बुक, अपनी कॉपी, पेंसिल अपने पास रखिए और देखिए इसमें हम क्या करेंगे। हम पढ़ रहे थे नंबर एंड जेंडर। ओके, इसमें आगे बढ़िए। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। काउंटेबल नाउन्स, जैसे आपको मैंने बताया है, काउंट करने वाले, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो आप भी अपनी बुक देखिए, मैं आपको इसमें समझाती हूँ। नाउन्स लाइक बुक, चेयर, कप एंड स्कूल आर काउंटेबल। जो कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही हैं, बुक है, चेयर है, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। दे आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। वी से वन बुक, टू बुक, सेवन बुक्स, फोर चेयर्स, टेन कप्स एंड सो ऑन। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन बी यूज विद ए, एन और अ नंबर। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, जिन्हें गिना जा सकता है, तो वो होती हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउन्स लाइक राइस, मिल्क, वाटर एंड क्लेवरनेस आर अनकाउंटेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम कभी गिन नहीं सकते। दे आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। वी कैन नॉट से वन राइस, टू राइस और फाइव मिल्क। ठीक है ना, हम क्या हम बता सकते हैं कि एक कटोरी में कितने चावल हैं? नहीं। ठीक है, हम क्या दूध को बता सकते हैं कि इसमें कितना दूध है? सिर्फ हम एक ग्लास दूध बोल सकते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज विद ए, एन और अ नंबर। ठीक, हम वन राइस, वन, टू राइस, वन मिल्क, टू मिल्क, इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। द वर्ड सम ऑल्सो गोज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, सम बुक्स, सम ट्रीज, सम पीपल, सम सिटीज। द फॉलोइंग नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल। कौन कौन से हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? राइस हो गया, वीट हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, चीज, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट टच, सी, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़। फीलिंग हो गई, क्वालिटीज़ हो गई, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, हेयर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस, फर्नीचर, ट्रैफिक और ब्रेड, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़, लगेज, ट्रैवल, कैश, वर्क, वेदर, मनी, इंफॉर्मेशन। ओके, अब है कॉमन एरर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर यूज विद ए, एन और इन द प्लूरल। जो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते और ना ही उनके साथ ए, एन और इन द प्लूरल फॉर्म वो नहीं हो सकते हैं। वी मस्ट बाय सम न्यू फर्नीचर्स। वी मस्ट बाय सम न्यू फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं हम, न्यू फर्नीचर ही बोलते हैं। वी मस्ट बाय सम न्यू फर्नीचर, ये सही है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। दिस इज़ गुड न्यूज़। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ नहीं होता, दिस इज़ गुड न्यूज़ होता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, इसमें हम करेंगे आज डी पार्ट। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वन वाला देखिए, आई हैव मैनी टॉयज। तो इसमें काउंटेबल नाउन क्या है? टॉयज। मेरे पास एक टॉय गाड़ी है, एक टॉय गन है, एक टॉय गुड्डा है, एक टॉय कार है, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप नोट्स में, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वो देखिए। सबसे पहले डेट डालिए, नंबर एंड जेंडर डालिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन डालिए, फिर हम कर रहे हैं डी पार्ट। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। तो बढ़िए, आगे वन देखिए, आई हैव मैनी टॉयज, तो इसमें काउंटेबल नाउन है आपका टॉयज। टू देखिए, देयर आर सिक्स विंडोज इन दिस हाउस, तो इसमें हम किसे काउंट कर सकते हैं? विंडोज़ कितनी है? सिक्स। ठीक, थ्री देखिए, वी शुड नॉट कट ट्रीज, तो इसमें काउंटेबल नाउन क्या है? ट्रीज, हम गिन सकते हैं, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़। ठीक, दे वर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स, तो हम किसे काउंट कर सकते हैं इसमें? लैपटॉप्स, एक लैपटॉप है, दो लैपटॉप हैं, तीन लैपटॉप हैं। ओके, फाइव देखिए, वी यूज अ स्केल टू मेजर लेंथ, तो इसमें काउंटेबल क्या है? स्केल है इसमें काउंटेबल। ठीक है, द मैंगोज आर राइप, तो इसमें काउंटेबल क्या है? मैंगोज। तो इस तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में करना है, और इसी में ही मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रही हूँ, तो आप अपनी बुक में देख लीजिए।
इसी के जैसा सेम है इसमें करने के लिए पेज नंबर 25 में ई पार्ट अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द काउंटेबल नाउन्स इन दिस सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वन देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन है आपने उनको क्या करना है अंडरलाइन करना है, जो काउंटेबल नाउन है उनको आपने सर्कल करना है। ठीक है तो पहला देखिए द जूस इज इन द जग, तो इसमें अनकाउंटेबल क्या है जूस है तो जूस को हमने क्या करना है अंडरलाइन, और काउंटेबल क्या है इसमें जग है तो जग को हमने क्या करना है सर्कल। तो देखिए इसमें प्रिया हैज लॉन्ग हेयर, तो आपने क्या करना है जो काउंटेबल है उसको आपने काउंटेबल को आपने सर्कल करना है और जो अनकाउंटेबल है उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है तो इस तरीके से आप इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क है क्योंकि आपके पास 2 डेज है 15th और 16th सैटरडे 15th अगस्त के कारण आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास 2 दिन बचते हैं आप इसमें इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।